बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, मैं हूं कैवान अनवर और आज हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स ऑफ रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट के बारे में। रियल इस्टेट की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन तो अवेलेबल होती है, लेकिन क्या उसके फाउंडेशंस और फंडामेंटल्स सबको समझ में आते हैं, ज़रूरी नहीं है। हम चाहते हैं कि आप इन्वेस्टमेंट्स की इकोनॉमिक्स को भी समझें, ताकि जब आप इन्वेस्टमेंट करें तो आपको एक अच्छी और साउंड बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके सामने और आपके जहन में मौजूद हो। तो आए हम बात करते हैं पांच बेसिक पॉइंट्स जो हमारी नज़र में इकोनॉमिक्स ऑफ रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट हो सकते हैं, वो क्या हैं। नंबर वन, जीडीपी ग्रोथ। देखिए, जीडीपी किसी भी इकोनॉमी के लिए बहुत एक इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट होता है। जीडीपी ग्रोथ का क्या मतलब है? क्या आपकी इकोनॉमी बढ़ रही है या श्रिंक हो रही है, या अपनी जगह एक स्टैटिक है या मुंजमद है? सो जीडीपी ग्रोथ के ऊपर नज़र रखनी है। एक्सपेंशनरी जीडीपी ग्रोथ, यानी कि जीडीपी ग्रोथ का बढ़ना, इज ऑलवेज गुड फॉर इन्वेस्टमेंट। अगर वो श्रिंक हो रही है तो जहन में रखें कि कहीं ना कहीं आपकी इन्वेस्टमेंट या इन्वेस्टमेंट्स की कामयाबी सफर कर सकती है। दिस वॉज नंबर वन। नंबर टू, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड रेगुलेशंस। देखिए, आपकी इंडस्ट्री जो है वो गवर्नमेंट पॉलिसीज और रेगुलेशंस के ताबे है, और जिस इंडस्ट्री या जिस सेक्टर में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसकी पॉलिसीज और रेगुलेशंस का इदराक होना ज़रूरी है। अगर रेगुलेशंस आपके लिए सपोर्टिव हैं तो आप इन्वेस्टमेंट अच्छी करेंगे, और अगर वो सपोर्टिव नहीं है तो आपकी इन्वेस्टमेंट उस तरह परफॉर्म नहीं कर रही होगी जिस तरह आप परफॉर्म करना चाहते हैं। नंबर थ्री, मॉनेटरी पॉलिसी एंड इंटरेस्ट रेट्स। देखिए, ये मॉनेटरी पॉलिसी क्या है? गवर्नमेंट अपनी इकोनॉमी और अपने फाइनेंशियल मामलात को चलाने के लिए इंटरेस्ट रेट्स को चेंज करती है, और उसका क्या मकसद होता है? देखें, मार्केट में कभी गवर्नमेंट को लिक्विडिटी या पैसा बढ़ाना भी होता है और कम भी करना होता है। आपने नज़र रखनी है इंटरेस्ट रेट्स के ऊपर। अगर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे हैं तो जहन में रखें कि मार्केट से पैसा या लिक्विडिटी श्रिंक होगी, और अगर इंटरेस्ट रेट्स घटेंगे तो मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो एक्सपेंशनरी होगी और आपके मार्केट में पैसा बढ़ेगा। आपको सूट क्या करता है? आपको सूट करता है कि जब मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो एक्सपेंशनरी हो, यानी कि इंटरेस्ट रेट्स घट रहे हों और कम हो रहे हों, दैट इज़ अ गुड टाइम फॉर यू टू इन्वेस्ट, क्योंकि उस वक्त मार्केट में कैश और लिक्विडिटी ज़्यादा हो। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट वो है एसेट क्लासेस की मूवमेंट। देखिए, पैसा अपनी जगह कोई ओवरनाइट तो ग्रो होता नहीं है, पैसा अपनी जगह को शिफ्ट करता है, जिसको हम कहते हैं मूवमेंट विद इन द एसेट क्लासेस। तो आपने जहन में रखना है कि आपका पैसा एक एसेट क्लास से शिफ्ट होकर दूसरी एसेट क्लास में जब जाएगा तो आपको उसके टाइमिंग सही रखने हैं। देखें, स्टॉक मार्केट में पैसा जाता है, स्टॉक मार्केट से शिफ्ट होकर तो रियल इस्टेट में आता है, रियल इस्टेट से करेंसीज में, बॉन्ड्स में, अब तो बिटकॉइन भी आ गया है। तो आपने नज़र रखनी है कि पैसे की मूवमेंट या पैसे का फ्लो कहाँ हो रहा है। अगर किसी और एसेट क्लास में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रही है तो जहन में रखें कि पैसा हो सकता है आपकी इन्वेस्टमेंट के एरिया से निकल रहा हो और वहाँ जा रहा हो। तो कीप एन आई ऑन द ट्रेंड्स एंड द फ्लो ऑफ मनी एज टू वेयर इट्स गोइंग। आखिरी पॉइंट जो बड़ा इंटरेस्टिंग है, उस तरह की इकोनॉमीज़ के लिए जिन पे बाहर से पैसे की जो इन्वॉल्वमेंट होती है वो ज़रूरी होती है। सो जो हमारा पांचवा पॉइंट है वो है रेमिटेंसेस को लेके। तो आपने नज़र रखनी है कि क्या रेमिटेंसेस बढ़ रही हैं या घट रही हैं, क्योंकि जब रेमिटेंसेस बढ़ेंगी तो जाहिर है मार्केट के अंदर लिक्विडिटी ज़्यादा आएगी, और जब लिक्विडिटी या पैसा ज़्यादा होगा तो इन्वेस्टमेंट्स को ज़्यादा सपोर्ट मिलेगी। तो ये पांच बुनियादी पॉइंट्स थे जो हम कहते हैं कि रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट्स की इकोनॉमी को डिफाइन करते हैं। तो हमारा मकसद ये है कि आपके पास एक एजुकेशनल बैकग्राउंड हो, कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वो कौन से फंडामेंटल्स हैं जिनके ऊपर नज़र रखना ज़रूरी है। तो हम आपसे चाहते हैं कि आपको कुछ एजुकेशनल बैकग्राउंड भी बताते रहें एज वी टेक यू टू द जर्नी ऑफ रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट्स। सो स्टे ट्यून्ड, KQ के चैनल पे आपको इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलेंगी जिनमें हम आपको गाइड करेंगे इन्वेस्टमेंट्स के बारे में और रियल इस्टेट के बारे में, और टिप्स भी देंगे सो दैट यू कैन मेक सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट्स। इन कॉइन्स, डिजाइन, कंस्ट्रक्शन एंड इन्वेस्टमेंट।